श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज, और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना करके उसको प्राप्त किया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठ कर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाएं? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी जल्दी 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस आ जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस, लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए, आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रीस वापिस बढ़ जाएगा और ये तुम लोग जो कुर्सी पे बैठते हो वापिस नीचे बैठना चालू कर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुटने के दर्द और कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छी सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो,
उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लगे।